दोस्तों मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप डिजिटल सिग्नेचर किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हो। जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करते हो तो आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम के बारे में देखिए। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का निशान आपके सामने आता है और एक आता है इस प्रकार से रेड क्रॉस का। तो रेड पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लेना, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क अगर आपके सामने आता है तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आ जाता है सिग्नेचर वैलिडेशन स्टेटस। तो आप सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे ओके करते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, आपको इस पर ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो पेज एक बार रिलोड होता है और आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए ऊपरी ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा ट्रस्ट लिखा हुआ, ट्रस्ट लिखा हुआ। जैसे ही आपको ऑप्शन दिखाता है आपको ट्रस्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रहा समरी डिटेल, उसके बाद आपको ट्रस्ट का चार नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है, आपको ट्रस्ट पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करते हो देखिए दिस सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड, तो यहाँ पे ट्रस्ट सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पे ओके करते हो यहाँ पे सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है, आपको ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके कर देते हो तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, तो आपको इस पे ओके करना है। नीचे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कई बार चार दिखाई देते हैं, कई बार दो दिखाई देते हैं, तो आपको इस पे ओके कर देना होता है। तो देखिए जैसे ही आप ओके कर देते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, वैलिड सिग्नेचर पे ओके कर सकते हो। जैसे ही आप वैलिड सिग्नेचर पे ओके करते हो ये देखिए आपके सामने आपका सिग्नेचर वैलिड हो चुका है, आपको इसको क्लोज कर देना है। तो ये सिग्नेचर आपके सामने वैलिडेट हो चुका है। इस प्रकार से आप आपका डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको रेड क्रॉस के निशान की एरर आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, पूरी जानकारी उसमें दी है, आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको जानकारी समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।